बल्कि तालीम के साथ तरबियत। खाना अगर सिखाएंगे तो पखाना करना भी सिखाएंगे, पानी पीना सिखाएंगे तो इस्तिजा करना भी सिखाएंगे, कपड़े भी पहनना सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे, बड़ों की इज्जत करना सिखाएंगे और समाज में एक अच्छा इंसान बनने का तरीका बताएंगे। इन्हीं हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी दुआएं हमारे साथ हो, कब हमारे साथ हो तो इंशाल्लाह बहुत कुछ करने का हौसला है। सलाम अलैकुम। धन्यवाद मोहम्मद अजमुद्दीन रिज़वी साहब, तहिना अपन स्वागत में तो बिराग देव के लेल जसपा के नेता मुजीब रहीम जी के हार्दिक अनुरोध करै छी। ताली बच्चे स्वागत करनी जोर से। आज का इस कार्यक्रम का सदर महाकरण मेहमान मानुषी से हाजरीन तमाम लोगों में हमारे वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हजरात, अभी हमारे मंच पे नेपाल के सबसे टॉप, ये हमारे समझ में नेपाल के सबसे टॉप वाले अभी बोल कर गए हैं मोहन अजमुद्दीन रिज़वी साहब, हम भी कुछ जो बोल रहे हैं ये उन्हीं का ध्यान है। और मैं खास करके मुबारकबाद देना चाहता हूँ कलीम साहब को कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए आपने ये काम किया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। बहुत ही गौर करने की बात है, हमारे हजरत अभी बोल कर गए, नाम भी है स्कूल का नाम है इकरा, इन पर तबसेरा आप कर चुके हैं। यकीन जानिए कि आपके पास अगर तालीम नहीं है तो आप अंधे हैं। अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक पैदा किया, सबसे अच्छा सबसे प्रशंसनीय मखलूक आदमी को बनाया, उसके बावजूद अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे इस देश में जो हमारे हालात हैं, हम इस देश में इस मुश्किल दौर में अपनी जिंदगी तय कर रहे हैं। यकीन जानिए कि आपको आज नहीं, आज से बहुत जमाने पहले आपको तालीम याफ्ता हो जानी चाहिए था। 100% अगर आप तालीम याफ्ता होते तो यकीन जानिए देश के हर मकान में आपका फकर होता। मगर यकीन है कि हम फकर नहीं है, देश के मूलधार में हम नहीं है। इसका वाहिद वजह यह है कि शिक्षा में हम बहुत ही कमजोर हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया की सारी ताकत आपके पास है, बड़े बड़े मदारिस है, स्कूल है, मगर अगर देश के मूलधार में अगर आपका पहुंच नहीं है, देश के निकाय में पहुंच नहीं है, तो यकीन है कि आपका कोई भी चीज आपका सुरक्षा में आपके अंदर में नहीं है। और ये सारा माध्यम है शिक्षा, जब आपके अंदर तालीम है तो यकीन जानिए कि हर जगह आपका पकड़ होगा। देश में तीन निकाय है जहाँ आपका पहुंच जीरो है, पहला निकाय देश में बंदूक है जहाँ आपकी पहुंच नहीं है, दूसरा निकाय देश का कलम है जहाँ आपका पहुंच नहीं है, तीसरा निकाय देश में योजना है जहाँ आपका पहुंच नहीं है। इन सब में पहुंच बनाने के लिए यही वो माध्यम है जहाँ से आपको सोच करके पहुंचना पड़ेगा, जहाँ से आपको शुरू करके पहुंचना पड़ेगा। जब आप जगह पर जाएंगे, आज हम एक दूसरे से मोहताज है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुसलमान मोहताज नहीं होता है कभी। ये हमारे और आपकी ये अपनी कमजोरी है कि हम एक दूसरे के मोहताज हैं। आज एक योजना के पीछे हम एक दूसरे के पीछे गुलामी करते हैं, नहीं, अल्लाह ने वादा किया है कि हम इज्जत भी हम देंगे, जिल्लत भी हम देंगे, मारते भी हम है, जिलाता भी हम है और तुम्हारे सारा चीज हम करते हैं। मुसलमान मुसलमान मोहताज नहीं होगा, मगर इसका कारण यह है कि हम कहीं ना कहीं जो रूट है, जो कुरान और हदीस है, कौन है उन पे चलना मैंने छोड़ दिया है। इसका वाहिद वजह है कि हम आज परेशान है, दुनिया में दर दर के ठोकर खा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मौलाना कलीमुल्लाह साहब को, आप
आपने जो काम शुरू किया है इंशाल्लाह आपका हौसला के लिए सारे लोग आए हैं, हमारे बड़े बड़े हजरात यहाँ आ चुके हैं, आप बढ़ते जाइए, हम आपके साथ हैं, कदम न कदम आपको मिला के चलने के लिए तैयार है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनका जो सोच है उन सोच में इनको कामयाबी अता फरमाए और मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। बस यही दो शब्द कहते हुए मैं अपना साथ यही समाप्त करता हूँ। सलाम। अब कार्यक्रम के आगे बढ़ो भाई 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 खालिद के स्टेज पर आए तो रहिए से बारे में नहीं बता दे बेटे स्टेज पर आए तो भी लाभ लाभ कर सके।